पुलिस के मुंह में, तू मत डर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। मेरी बात वो लग जाएगी, जा वो लग जाएगी, लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ। अच्छा बोला, समझा कुछ? समझाता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा निशाना इतनी दूर तक लग पाया? क्या कर रहा है? भाई के ऊपर चेक कर रहा है, देख निशाना कभी नहीं चूकता। अरे सर आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी, कनी जोर तो लगी के बुआ खा रहे हैं तर लग रहे थे। तमाम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये लोंडो की तरह आवारा बनेगा क्या? तो बात करा मेंढक, चल उठक बैठक कर। पक्का इरादा कर लिया कि मारना है? अरे एक, अरे दो, ये तीन, तुम्हारा तो दिल ही लग गया यार यहाँ। ये भी तो है, क्या दिक्कत आ रही है बेटा कोचिंग जाने में? ओए स्टैंड अप हो बेटा, बिना कोचिंग के आईआईटी कैसे क्लियर करेगा तू? ओहो तने तक खतिया कस रखी है, हैं? अरे के इंसान है वो? यू तो अलग टाइम के पीछे चल रहा है। अरे तुम मानस है ना? भोले राजा के देखे तू? अरे बात कर रहा हूं ना यादव, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या है? हाँ बेटा बेटा, 2 साल मेहनत कर ले, एक बार आईआईटी में हो गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी तेरी। आईआईटी हाँ, घर आके बात कर तू तेरे से। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। कोई जोक सुना है मैंने क्या? आईआईटी हैं? क्या आईआईटी में? क्या 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 आईआईटी? सब इसकी डोज पूरी ना हो ये लगे। सारी बसड़ की जड़ी आईआईटी है सर। अच्छा तो आईआईटी से? गर्लफ्रेंड थी आईआईटी से। तेरी गर्लफ्रेंड आईआईटी से? तेरी गर्लफ्रेंड आईआईटी से? आईआईटी के बच्चे जो है ना घूम में मुंह नहीं मारते, कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। फिर तो आप भी आईआईटी से होंगे। क्या मतलब था? मतलब जो आदमी आईआईटी नहीं गया वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो बेकार है, वो गु है। हम गु है, अरे सुन तो भाई, हम सब लोग गु हैं। अरे सुन तो, तुम गु हो, गु 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 गु। आपकी गलती नहीं है सर, बचपन से ऐसा ही चल रहा है। इस देश में हर एवरेज मिडिल क्लास आदमी को यही लगता है। थ्री इडियट्स में आमिर खान कहता कहता मर गया, पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, पैशन। अरे करेंगे करेंगे, पर पहले पता तो लगे पैशन है क्या। यहाँ तो साला हाइपरबोला, थर्मोडायनामिक्स, लोडू बेंजीन, लसनामाइड में ही टाइम नहीं मिल रहा। पैदा हुए तो स्कूल की बस में चढ़ा दिया, स्कूल पहुंचे तो वहां पूछा बेटा क्या बनोगे, कोई बोला क्रिकेटर, कोई बोला लॉयर, कोई बोला इंजीनियर, कोई बोला डॉक्टर। लोड़ा पता किसी को कुछ नहीं था, लेकिन हाँ फैंसी वर्ड थे, बोलने पे इज्जत मिल रही थी तो बोल दिया। अब जैसे जैसे मरते मराते पहुंचे टेंथ में, टेंथ क्लास बोर्ड स्कोप जिंदगी। मैम ने पूछा बेटा आगे कौन सी स्ट्रीम लोगे, बच्चे बोले साइंस, हम भी बोले साइंस साइंस। पर इस साइंस बोलने की वजह से 11th में एक नया ब्रांड न्यू चुतियापा पता चला, आईआईटी की तैयारी। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप थोड़ा से भी एवरेज हो तो एक साइड आप बोर्ड में चुदे और दूसरी साइड में आईआईटी में तो चुदे ही चुदे। और हम तो पैदा ही एवरेज हुए थे तो हमारे साथ तो होना ही है था। इसका मतलब तेरा आईआईटी में नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात, सो क्लेवर सो क्लेवर। नहीं मेरा मतलब था कि ये बता कि तेरा, तूने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया क्या? नहीं लिया। लिया ना, हर उस लड़के की तरह जिसका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता, मैंने भी दिल्ली के काम चलाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें अगर फ्यूचर में आईआईटी के बच्चों के साथ कम्पीट करना है तो।
हाँ जी। और मेरे एक दोस्त का बेटा आ रहा है तेरे साथ रहने के लिए, शायद SSC वगैरह की तैयारी कर रहा है, ठीक से रहना। और चाबी नीचे है ना? हाँ जी नीचे ही है। चलो मन लगा के पढ़ो, रात को कॉल करता हूँ। ठीक है पापा जी। पापा थे फोन पे, कह रहे होंगे IIT में नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब इन पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि अरे भाई बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये सब लोग भी तो IIT से नहीं थे ना, तो क्या ये कुछ नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में? भाई ये लोग हार्वर्ड से थे, वो IIT से भी ऊपर आता है। कॉलेज में सबसे जरूरी होता है एक धांसू सा ग्रुप बनाना, क्योंकि अगर एक बार आप किसी फालतू ग्रुप में फंस गए तो उसमें से निकलना नामुमकिन होता है। कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है बेटा, एक्साइटमेंट सी तो हो रही है, बच्चे बच्चे भी सही लग रहे हैं यहाँ पे। चलो IIT में नहीं हुआ कोई ना, पर यहाँ झंडे गाड़ेंगे, 4 साल है, क्षमता दे कुछ तो करें। अबे किसका इंतजार कर रहा है, चलना अंदर, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। भाई इस कॉलेज में कुछ और मिले ना मिले, मैं कह रहा हूँ एक्सपोजर तो जरूर मिल जाएगा यार। लगता है इस कॉलेज लाइफ में हमारे बहुत मजा आने वाला है, मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने स्कूल के दोस्तों को भेजूंगा, सालों की जल के लाल हो जाएगी। अबे यार फिर हैंग हो गया ये। क्या हो गया यार? ये बीच बीच में हैंग होने लगता है। देखिए 16 GB के फोन में 14 GB की तो ऐप भर रखी है, हैंग नहीं होगा तो और क्या होगा? अब सब कुछ तो काम का है इसमें, क्या डिलीट करूँ बता? सब कुछ डिलीट कर और पॉपशॉट ब्राउजर डाउनलोड कर। अबे इंजीनियर बनने वाला है 4 साल में, थोड़ा तो टेक्निकली एडवांस हो जा। ऐप्स का टाइम गया, अबे वेब ऐप्स का टाइम। इसके अंदर सारी वेब ऐप्स हैं जिसमें कि सारी ऐप्स सेम फंक्शन करती है, 0 फोन स्टोरेज पे, फोन हैंग ही नहीं होगा कभी भी। और तो इसमें लाइव स्क्रीनशॉट भी ले सकता है जिसे तू सेव भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। देख जैसे मैंने IIT दिल्ली की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं जब चाहे इसके ऊपर लाइव जा सकता हूँ, समझा? बिना फोन की स्टोरेज की बकचोदी में पड़े। सही बोल रहा है यार, अभी डाउनलोड करता हूँ, मैं तो खाली पीली अपने फोन को चूतिया समझ बैठा। यार कॉलेज लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाना यार, एक अच्छा सा ग्रुप बनाना यार। ये देखना ऐसा ग्रुप। नहीं यार ये ना बहुत रईस लोग हैं, इनके साथ ग्रुप मेंटेन करने के चक्कर में ना तेरे को अपने पापा की FD तोड़वानी पड़ जाएगी, थोड़ा इकोनॉमिकल ढूंढना पड़ेगा कुछ। वो देखना वो थोड़े गरीब लग रहे हैं। तेरे को 4 साल रंडवे की जिंदगी जीनी है क्या कॉलेज में? नहीं नहीं मुझे तो गर्लफ्रेंड बनानी है। बनानी है ना, तो ये है रंडवा ग्रुप, सिर्फ नशे करेंगे और लड़कियां ताड़ेंगे 4 साल, यही काम। लड़की होनी जरूरी है यार ग्रुप के अंदर। अच्छा वो देखना उसमें लड़कियां भी हैं और वो रईस भी नहीं लग रहे ज्यादा। लड़कियां? अबे एक लड़की है, ये गैंग बैंग ग्रुप है, उस बेचारी पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, हम 2 और चले जाएंगे तो मरी जाएगी यार। तो यार कुछ और यार, थोड़ी लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए यार, 2 तो कम से कम 3, 2-3 तो होनी चाहिए यार। अच्छा वो देख वो उसमें लड़कियां भी हैं और वो दिख भी इकोनॉमिकल से रही हैं। अबे ये चाटू ग्रुप है, तेरे को JEE Mains दोबारा देना है क्या? नहीं नहीं करनी है क्या? जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं तो खुश हूँ इस कॉलेज से। कुछ अच्छा हो गया यार, कुछ अच्छा सा ग्रुप। वो देख आइडल ग्रुप है ना, 2 लड़के 3 लड़के सॉर्टेड है भाई, 2 लड़के 40% काम डन है ऑलरेडी, बस 3 लड़कियां ढूंढनी है हमें। ग्रुप बनाने की सोच रहे हो भाई? तू 3 की छोड़ना, 1 की बेल करवा, मेरी करवा भाई, बस 1 बेल करवानी, मेरी करवा दे, बात खत्म। देख रहे हो रुद्र जी, साले कहते थे आधी रात को बुला लिया काश भाई, जान आज ही रहे, अब देखो फोन काट दिया मेरा। फर्स्ट ईयर में चिरांत कहाँ से आ गए भाई? आप
आकाशदीप आहूजा, और प्यार से लोग आकाश भाई बुलाते हैं। तीन साल से हूँ इस कॉलेज में, हर साल तुम्हारे जैसे लौंडे देखता हूँ जो कॉलेज के पहले दिन से ही ग्रुप बनाने की सोचते हैं। आप थर्ड ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में। चार साल इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कॉलेज लाइफ होनी चाहिए कम से कम 10-15 साल की, क्योंकि उसके बाद तो फिर वही है, बाप का बोरिंग बिजनेस, काला पैसा। इट रियली सक्स। वेल आई टेल यू हाउ टू नेल योर कॉलेज लाइफ। भाई हम ना थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्लास के लिए। हम रूल नंबर वन, कॉलेज में अगर कोई फालतू बोले तो तो एक हद तक ही सुननी है। रूल नंबर टू, कैंटीन का उधार एक लिमिट तक ही रखना है। क्यों? क्योंकि बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दादा कल पैसा नहीं दिया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। रूल नंबर थ्री, कॉलेज की लड़कियां सेल की तरह होती हैं, पहले हफ्ते में उठा लो वरना फिर यही बचा कुचा माल मिलता है। अरे लेके जाओ यार इन्हें कोई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर फोर, शुरुआती दिनों में किसी चूते का साथ मत पकड़ लेना। अगर कोई चूतिया साथ पड़ गया तो पूरे चार साल लटका के घूमना पड़ेगा। अरे आप उसकी टेंशन मत लो, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों के अलावा और किसी लड़के को हम अपने ग्रुप में लेंगे नहीं। क्यों भाई? फिर तो लाइफ सॉर्टेड है शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी कोई दिक्कत हो कॉलेज में तो भूलियो मत, आकाश भाई तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। हाँ जी। अच्छा फिर चलो इंटर देने। एक सेकंड आकाश, चलो चलो चलो। हेलो, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। अपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक चीज चुन लो। चलो मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम बनारस। महेश राज, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल फ्रॉम बिहार। नीतीश यादव, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम पुणे। लैप डांस कर रही है। मैं कहता था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। सर थर्ड करेंगे हम। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई लैप डांस वाले खड़े हो। चलो चलो डिसाइड कर लो किसको बैठना है, किसको लैप डांस करना है। साले मरवा दिया ना जल्दीबाजी के चक्कर में। तू देखा क्या लैप डांस? साले और कुछ कर लेते हैं यार। ये था थकेला अब ना रहा ये आवारा, इस झलक में ही था फलक पे ये उड़ रहा है बंजारा। ओ हीरो चल परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। अबे चल ना नाच, किस चीज का इंतजार कर रहा है? आजा चुप रे साले, कोठे पे आया क्या? मेरे बाप ने तेरे को यहाँ नाच दिखाने की फीस दे रखी है। एक एक सीनियर की करियर की मौत चोदूंगा बकचोदी करोगे तो। पीछे पीछे
क्यों नाच के तू है? साले आए बड़े रैगिंग करने वाले, भग जाओ यहाँ से। अबे निकल यहाँ से, चल निकल, उड़ बे, चल चल चल। हैं, ये बोल दिया तूने 50 लोगों के आगे? अरे बकचोदी कर रहा हूँ। हाँ भाई, नाचना चालू कर। चलना नाचना बे। अबे नाचना क्या कर रहा है? चल चालू हो। चल चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, आजा। फर्स्ट ईयर ना, आजा आजा। क्या बात होगी? अरे भाई खड़ा हो, इंट्रो चालू कर। आदित्य चौधरी, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल, मैनेजमेंट कोटा, फ्रॉम रोहतक हरियाणा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वापिस आ जा वापिस आ जा। यही बात कपड़े तारते और रैणवी में कह दे। बैन है ना रैगिंग तो। ए बेटे, बैन तो बहुत कुछ है। ए बिना फटाफट से शुरू हो जा वरना कपड़े तार देंगे हम। किसने फोन मिला रहा है? मम्मी ने फोन मिला रहा है। ना जी, ताऊ जी दोरे मिलाऊं था। दिनेश चौधरी, इससे कॉलेज में मास्टर है। बोल रहे थे कुछ ज्यादा इंट्रो इंट्रो लेने की कोशिश करे तो एक बार मेरा फोन पे इंट्रो करा। हाँ जी ताऊ जी। ओ डी, निकल निकल, चल चल, हो गया तेरा, हो गया, आजा। हाँ जी मैं कह रहा था कॉलेज तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी, चल चल, इला इला इला। एक मिनट ताऊ जी, क्लास का टाइम हो रहा है, इन सब ना छोड़ दो। अबे इस सारा घड़ा नेता बन की जरूरत ना है, भग जा यहां से। ताऊ जी मैं नु कह रहा था कि ये कॉलेज के बाहर जाओ भाई, जाओ, हो गया सब का, हो गया, चलो चलो जाओ। हेलो, हो गया। हेलो राकेश, आकाश भाई बोल रहा हूँ मैं। हाँ नमस्ते 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 भाई, वो मैं थाने में बैठा था, वो बेल मादर। चल इन्हें छोड़, तुम्हें वो बता, पूरे दिन तक क्या कर रहा था ना? हैं, अच्छा और बता। कॉलेज का फर्स्ट ईयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 12-15 साल की अपनी स्कूल में बनाई हुई इमेज को चेंज कर सकते हो, इकलौती ऐसी जगह। अरे भाई थैंक यू यार, इज्जत बचा ली भाई तूने। और कितना सही है ना, फर्स्ट ईयर के हमारे साथ के बंदे का ताऊ डीन है, 4 साल सॉर्टेड। अरे काहे का ताऊ, प्रोस्पेक्टस में नाम देखा था, बोल दिया। तो तूने झूठ बोला? तू झूठ ना बोलता ना तो एक दूसरे की गोदी में खेल रहे होते अभी। अरे कहाँ चले गए तुम लोग, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं वहाँ। यो कौन है? अरे ये आकाश दीप आहूजा, और प्यार से लोग आकाश भाई कहते हैं। 3 साल से हूँ इस कॉलेज में। भाई मैं आपके बारे में इसको सब कुछ, ठीक है, और कॉलेज में कोई दिक्कत हो ना तो याद रखियो आकाश भाई तुम्हारे साथ हैं। कौन सा है? सब सोचते हैं कि बहुत स्टड लाइफ जिएंगे, बहुत धांसू सा ग्रुप बनाएंगे, ऐसा ग्रुप बनाएंगे, वैसा ग्रुप बनाएंगे, पर किसी को नहीं पता कि आप ग्रुप नहीं बनाते, ग्रुप बस बन जाता है। और हमारा ग्रुप भी शायद बन गया था। इंजीनियरिंग की पहली क्लास, अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही है। यार ये क्या चुतियापा करवा रहे हैं हमसे? अभी IIT में होते तो पता नहीं रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, मशीन्स क्या क्या पढ़ा रहे होते, और ये साले कारपेंटर बना रहे हैं हमें। वो सब तो जिल जाएगा यार, पर क्लास में कोई ढंग की चोरी भी तो होनी चाहिए। देखिए इनते सेक्सी तो तुम दोनों लागो। अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बढ़िया है ना, सारे काम आने चाहिए। और बात लड़की की है तो अच्छा है, नहीं है क्लास में डिस्ट्रैक्शन कम होगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। क्या बात है, बड़े एक्साइटेड और नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं आज। तो मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, हम लोग एक ऑसम एंड हैपनिंग अनऑफिशियल फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जो कि 5 दिन बाद है क्लब BTW में। तो लड़के अपने पासेस ऋतु से ले लेंगे और लड़कियां कर्पूर से, और इन पासेस की कीमत सिर्फ 1000 रुपए है, दैट्स इट। सो आप लोगों को मजा आने वाला है, सो सी यू। यार 1000 रुपए ऋतु से पास लेंगे? ओ हप्सी, क्लास के बाद लेना है, अभी नहीं, रख ले इसे अंदर। 1000 रुपए ज्यादा नहीं है यार, ऋतु के लिए 1000 रुपए नहीं खर्च सकता। तू जानता है ऋतु को? अरे जान नहीं तो जा रही है। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। काफी नए और एक्साइटिंग चेहरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो गाइस, हम लोग आपके लिए एक फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
जिसके पास इसे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए के। पर इस पार्टी के बारे में खास बात यह है कि इसमें हमारे साथ हमारे कुछ IIT के दोस्त भी होंगे। ये था थकेला अब ना रहा ये आवारा, एक झलक में ही था फलक पे ये उड़ रहा है पंजारा। इस धड़कन की रफ्तार क्यों ये बढ़ गई, क्यों नजरों से वार तू ये कर गई। ये कैसे हाल में तेरे जाल में फंस गया ये बेचारा, ना कदर रहा ना सबर रहा ना रहा कोई चारा। दिल हरा मैं तो गए तुझ पे वारा, मनहूस से ये मंजर भी लागे अब मुझको प्यारा। यार इसमें जरा पॉप शॉट डाउनलोड कर देना, बहुत सारे ऐप हो गए हैं। मेरा बता बे, ये भी बता कि तूने कौन सी पार्टी का टिकट लिया। सुन नहीं रहे हो तुम ठीक से। कौन सी पार्टी क्या? बचपन में कोचिंग वालों ने IIT के नाम पे चूतिया बनाया, अब सीनियर्स ने। चलती तो है नहीं, रख के दिखावा करते हो। बावड़ा हो गया के? हैं? अरे तू सारी कहानी छोड़, पहले ये बता ये मंदबुद्धि तुझे कहाँ मिला? मेरे पापा के दोस्त का बेटा आने वाला था ना साथ रहने के लिए। हाँ जी मैं पहुंच ही गया। हाँ जी वो अंदर ही है, उसने नीचे से चाबी ले ली थी। ठीक है मैं मिलता हूँ। हाँ जी हाँ पापा जी नमस्ते। कौन? भाई मैं शिवम, आपने नीचे से चाबी ली होगी ना, मतलब मैं ही रहता हूँ यहाँ पे। यहाँ रहते हो तो बाहर क्या कर रहे हो? भाई मैं कॉलेज गया था ना, अभी BTech में हूँ, फर्स्ट ईयर में, बताया होगा आपको पापा ने। खोलो यार। मम्मी ने कहा था दिल्ली में किसी पे भरोसा मत करना। मैं कैसे मान लूं कि तुम शिवम हो? भाई तू पागल तो नहीं है? मैं प्रूफ कैसे करूंगा? खोल यार जल्दी। अब प्रूफ नहीं कर सकते तो बाहर ही रहो। अच्छा मेरी बात सुन। अंकल ने तेरे को नंबर दिया होगा ना मेरा, एक बार कॉल कर मेरे फोन पे। शिवम का दिया था, चल उसी पे कर। अब तो मान गया ना भाई, ठीक है खोल दे। अभी शिवम फोन नहीं उठा रहा है। अबे पागल आदमी। हेलो हेलो शिवम, बाहर एक भैरूपी आया है तुम्हारा नाम लेके। तो पागल है क्या तू? गेट खोल साले। तुमने शिवम का फोन छीन लिया? सच सच बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? अबे तू जाहिल है क्या साले? मैं ही हूँ यार, मैं ही शिवम। कॉल मैं ही हूँ। फिर कितनी देर तक चलता रहा ये ड्रामा? आधे घंटे तक, जब तक ये भाई साहब दूध लेने के लिए बाहर नहीं निकले। क्या बात है? इसे बेच के चाकू खरीद लो, कम से कम किसी काम तो आएगा। अरे बावली गांड सो जाने। बावली गांड? सॉरी। ठीक है भाई कोई बात नहीं, आगे से तुम बोलना मैं शिवम हूँ, मैं गेट खोल दूंगा। ठीक है थैंक यू। हाय। क्या बात है, लड़का बड़ा हो गया मेरा। और बता कैसा रहा कॉलेज का फर्स्ट डे? अच्छा था। अनऑफिशियल फ्रेशर्स पार्टी का बोल रहे थे सीनियर्स, तो उसी का पास लेने की सोच रहे हैं। अच्छा ये बता कोई लड़की वड़की पसंद आई? अरे कहाँ, पहला दिन था अभी, कहाँ लड़की वड़की। अरे मजाक कर रही हूँ यार। और तुझे हमारे प्रॉमिस याद है ना, हम दोनों में से किसी को भी कॉलेज में कोई पसंद आता है तो हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। हाँ याद है। वैसे कहाँ है फ्रेशर्स पार्टी? ये गुड़गांव में कोई क्लब है, ड्यूटी फ्री, सेक्टर 29। क्लबिंग एंड ऑल। हाँ पिक्चर्स भेजियो मुझे। शिवम की सुन। हाँ एक सेकेंड ना, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके 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 बाय बाय। इंसान भी ना छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए। बोलना पड़ता है सर। सही बात है।
यार तेरी फ्रेशर पार्टी बड़ी मसालेदार लग रही है, उसमें बता क्या होगा। फ्रेशर्स पार्टी। हे गाइस, आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। एंड सेकेंड एपिसोड बहुत जल्दी आ रहा है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और हाँ, अभी जाके डाउनलोड करो पॉप शॉट ऐप। आई यूज इट बिकॉज ऑफ इट्स टू सुपर अमेजिंग फीचर। फर्स्ट, आई यूज ऑल माई फेवरेट ऐप यूजिंग पॉप शॉट, लाइक शॉपिंग, ट्रैवल, न्यूज एंड मच मोर, वो भी जीरो फोन स्टोरेज पे। और दूसरा, लाइव स्क्रीन शॉट, एक क्लिक में स्क्रीन शॉट, एक क्लिक में लाइव। एंड इफ यू डाउनलोड द ऐप यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, 3 लकी विनर्स कैन विन Amazon वाउचर एंड ब्रांड्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज। मुझे भी फ्री मर्चेंडाइज चाहिए। हाँ तो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करना। नहीं ये वाला दो ना। नहीं ये तो नहीं, मुझे ये वाली मर्चेंडाइज चाहिए। मुझे अबे पागल है क्या? मुझे भी यही मर्चेंडाइज चाहिए।